हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज फिर आपको बताने वाला मैं एक एरंगल 2.0 के डॉक्स के बारे में। तो क्यों ना वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, क्यों ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे आपको मैं जो नोवो में एक अपग्रेड दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे नोवो में जाना पड़ेगा, और फिर आपको मैं समझा पाऊंगा कि जो नोवो है हमारा वो फ्यूचर में कैसे अपग्रेड होगा, और उसमें जो डॉक्स हैं वो कैसे ऐड होंगे। और जो डॉक्स ऐड होने वाले हैं ये सिर्फ नोवो में नहीं बल्कि बाकी सारी कुछ और लोकेशन पर भी ऐड होंगे। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे नोवो में जाके ही बताता हूँ। और अगर आप यहाँ पे अब तक सो रहे थे कि आपको बता दूं कि जो एरंगल 2.0 है वो आ चुका है, तो ये इसका जो बीटा वर्जन है वो रिलीज हो चुका है, और ऑलमोस्ट एक मंथ की टेस्टिंग के बाद ये ग्लोबल वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो एंड्रॉइड और आईएस का दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड करो। तो एंड्रॉइड का साइज वैसे मेरे ख्याल से 1.36 GB है, बाकी आईओएस का नहीं पता। तो एक बार यहाँ पे मैं नोवो में लैंड हो जाऊँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ कि जो डॉक्स है वो यहाँ पे कैसे ऐड होगा। और वैसे यहाँ पे जो एरंगल 2.0 तो आ चुका है, लेकिन अब तक ये जो डॉक्स वाला चेंज है हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो चेंज है वो अभी सिर्फ पीसी वर्जन में ही आया है, लेकिन पीसी वर्जन में भी अभी आया नहीं है, क्योंकि ये पीसी वर्जन में भी आपको चेंज है वो कल ही देखने को मिलेगा उसके टेस्ट सर्वर पे। तो एक बार यहाँ पे मैं नोवो में लैंड हो जूं, तो एक बार यहाँ पे फटाफट कुछ गन्स भी उठा लेते हैं। तो कुछ एयर शॉटगन मिल चुकी है, तो एयर मिल जाए काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये 5.62 और पिस्टल का क्या करेंगे। तो कुछ एक बार एयर मुझे ढूंढने, तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि जो चेंज है वो कहाँ पे होगा। हेलमेट और सामने वाले का सैमो है, तो शायद मिल जाए एयर, तो नहीं है। चलो छोड़ो, हम जो शॉटगन से काम चला लेंगे। तो ये देख सकते हो सामने आपको एक ये क्रेन टाइप की जो बिल्डिंग दिख रही है, और अब कुछ सेकंड्स बाद आपकी एक स्क्रीन पे एक इमेज फ्लैश होगी। तो देख सकते हो जो इमेज है वो पीसी वर्जन की है, और वो जो अपडेट है वो पीसी वर्जन में कल आने वाला है, लेकिन मोबाइल वर्जन पर भी कभी ना कभी तो वो अपडेट आएगा ही। तो आप देख सकते हो सामने आपको जो एक पानी सा दिख रहा होगा, और ये थोड़ा सा जो सीमेंटेड पाथ है, तो जो पीसी वर्जन में इसको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे चेंज करने वाले हैं वो। तो ये आप देख सकते हो जो इमेज में आपको एक क्रेन दिख रही होगी, और उस इमेज में भी आपको जो क्रेन दिख रही है, तो ये दोनों इमेजेस काफ़ी सेम है। आप देख सकते हो जो उसके सामने आपको कुछ कंटेनर्स भी दिख रहे होंगे सिलेंड्रिकल टाइप के, तो उन्होंने यहाँ पे एक डॉक्स टाइप का जो एक छोटा सा एरिया है जो कि नोवो में ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो इन्होंने लोकेशन ऐड की गई है सिर्फ नोवो में नहीं ऐड की, बाकी तीन और लोकेशन हैं जहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। पहले आप यहाँ पे इस इमेज को देख सकते हो, आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जो बोट्स हैं वो देखने को मिल रही होंगी, और कुछ कंटेनर्स भी इन्होंने डाल दिए मेरे ख्याल से, आप देख सकते हो। और ये सामने कुछ बोट्स हैं, तो जैसे कि हमारा जो विकेंडी में हमें देखने को मिलता है, और रिसेंटली जैसे हमारा जो एक लिरिक मैप आया था तो उसमें भी हमें जो डॉक्स देखने को मिलता था, तो वैसे ही कुछ इन्होंने यहाँ पे जो हमारा ये एरंगल 2.0 का मैप है, तो जो पीसी वर्जन में इसको थोड़ा सा और अपग्रेड किया और थोड़ी सी इसमें जो एडजस्टमेंट किया। तो आपको यहाँ पे अब जो कुछ टाइम बाद हमारा मोबाइल वर्जन में भी जो एरंगल 2.0 का, उसमें भी ऐसे कुछ टाइप के डॉक्स देखने को मिलेंगे। तो वैसे यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा खास इसका यूज़ पता नहीं चला कि यहाँ पे इन्होंने ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ काफ़ी छोटा सा एक चेंज है, और मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा अच्छी लूट भी यहाँ पे स्पॉन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक जो पबजी का एक डेव है, एलेक्स पबजी डेव कुछ ऐसे करके उसका नेम है, उसने यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक इमेज पोस्ट की थी जिसमें उसने बताया था कि यहाँ पे उसको यहाँ पुचिंकी में है, लेकिन उसको जाना है मिलिट्री बेस, तो उसके पास यहाँ पे सिर्फ तीन रास्ते हैं। तो उसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था इसके साथ क्या इसके पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन है जहाँ से वो इस मिलिट्री बेस तक जा सके। तो पहला उसने यहाँ पे एक जो अपनी कार से ब्रिज को क्रॉस करने की यहाँ पे ट्राई की, उसके बाद यहाँ पे वो पैदल जा सकता था अपने टीम मेट्स के साथ, और जो थर्ड है वो पानी से बोट के साथ, और उसके बाद यहाँ पे उसने मेंशन किया कि क्या उसके पास कोई और ऑप्शंस हैं। तो मेरे को लगता है कि इन्होंने यहाँ पे जो न्यू बिल्डिंग्स ऐड की गई है, यहाँ पे एक जो छोटा सा इन्होंने चेंज किया है डॉग्स टाइप का, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे कोई एक न्यू वाटर व्हीकल ये ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ ज्यादा खास यूज मुझे लगा नहीं है, आप देख सकते हो। बाकी आपको एक छोटा सा ये चेंज है, ये आपको पीसी वर्जन में कल देखने को मिल जाएगा उसके टेस्ट सर्वर पे, और उसके बाद यहाँ पे एक दो वीक में ही मेरे ख्याल से ये जो लाइव सर्वर भी आ जाएगा, और फ्यूचर में हमें ये जो चेंज है मोबाइल वर्जन पे भी देखने को मिलेगा। एरंगल 2.0 के अपडेट के बाद भी मेरे ख्याल से जब कोई अपडेट आएगा तो उसी में डालेंगे। और बाकी आप देख सकते हो जो आपको ये सिमिलर टाइप का जो डॉक्स है, ये आपको एक फेरी पेरियार में देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ लोकेशन होगी इस डॉक्स की, वो आपको देखने को मिलेगा मिलिट्री बेस के जो ब्रिजेस हैं उसको जो कनेक्ट करते हैं दो ब्रिजेस आइलैंड को, तो उनके बीच में आपको यहाँ पे एक डॉक्स टाइप का देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक लगता है मुझे यहाँ पे कुछ ये न्यू व्हीकल को ऐड करेंगे फ्यूचर में, जो कि आपको जो वाटर क्रॉस करने में हेल्प करेगा, ब्रिजेस को आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा चेंज है। इसके बाद यहाँ पे इतना नहीं, यहाँ पे इन्होंने कुछ और यहाँ पे चेंजेस भी किए हैं, जैसे कि हमारी जो न्यू गन काफी टाइम पहले जो लीक हुई थी, तो यहाँ पे ना तो ये MG24 है ना MG43 है, बल्कि इसका जो नेम है वो MG3 है। तो यहाँ पे एक लाइट मशीन की गन है, और वैसे यहाँ पे जो ये 7.62 का एमओ यूज करेगी, तो काफी अच्छी वैसे गन होगी ये भी। और आपको यहाँ पे जो एयर ड्रॉप में ही देखने को मिलेगी, जो हमारी M249 है तो उसको रिप्लेस करेगी। और जहां तक मुझे लगता है कि जो हमारा गेम फॉर पीस का नेक्स्ट अपडेट आएगा तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब DBS PC वर्जन में लॉन्च हुई थी तो उसके एक दो मंथ में यहाँ पे जो उसने गेम फॉर पीस ने यहाँ पे इसको अपनी गेम में डाल दिया था। तो अगर यहाँ पे जो गेम फॉर पीस ने काराकिन मैप को नॉ लॉन्च किया अपने जो नेक्स्ट टेस्ट सर्वर पे, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि आपको ये वाली गन तो देखने को मिल जाएगी,
क्योंकि उनके पास यहाँ पे और कुछ कंटेंट नहीं है आप जो पीसी वर्जन से वो कॉपी कर सकें। तो ये एक छोटी सी गन है जो कि ऐड होगी, और बाद यहाँ पे एक जो लास्ट और थर्ड चीज जो ऐड होगी, एक मिनट, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एनिमी आ चुका है, साउंड्स मुझे सुनाई दे रही है, तो पता नहीं यहाँ पे रियल एनिमी है या बोट है। तो एक बार यहाँ पे फटाफट एक बार देखता हूँ मैं इसे, तो मेरे ख्याल से सामने बाहर कंटेनर, एक बार फटाफट यहाँ पे S12 के उठा लेते हैं। तो सामने ही मेरे ख्याल से है ये मारियो मतियार, बस तू अब बीच में नहीं मरना चाहता मैं अब। तो ये पच तो मर गया ये। तो आते अपनी मेन वीडियो पे। तो जैसे आपको मैं बता रहा था कि जो पीसी वर्जन में एक जो न्यू डेकॉय ग्रैंड भी ऐड होगा, तो यहाँ पे ये डेकॉय ग्रैंड कल ऐड हो जाएगा टेस्ट सर्वर पे। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि आप जैसे इस डेकॉय ग्रैंड को फेंकोगे तो ये कौन सी गन्स की साउंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे फेंकोगे गन्स की साउंड तो प्रोड्यूस करने वाला है, ना कि आपको डैमेज देगा। तो पता नहीं अब जो गन्स की साउंड है वो कौन सी गन की, AR की या फिर DMR, और बाकी कौन सी गन की साउंड ये प्रोड्यूस करता है। तो एक ग्रैंड है जो ऐड होने वाला है पीसी वर्जन में काफी जल्दी, और आप इससे अपनी जो एनिमी को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये थे जो तीन चेंजेस हैं जो कि पीसी वर्जन में काफी जल्दी ऐड हो जाएंगे और फ्यूचर में आपको मोबाइल वर्जन में देखने को मिल जाएंगे। तो चाहो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको इन तीनों में से कौन सा चेंज अच्छा लगा है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तब तक के लिए गुड बाय।